अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आफ्टर बैचलर्स और आफ्टर मास्टर्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप की सर्च में होते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की लिस्ट नज़र आ रही होगी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट डिप्रेस्ड है और मिसगाइडेड है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया, तो अपना इनिशियल स्टेप इन स्कॉलरशिप की वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेड स्कॉलरशिप के बारे में गाइड करूँगी। डेड स्कॉलरशिप जर्मनी जो कि टॉप 14 फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आता है। देखते हैं डेड की वेबसाइट के थ्रू के यूनिवर्सिटीज़ कैसे फ़िल्टर आउट करते हैं, किस तरह प्रोग्राम को सर्च करते हैं और किस तरह कोर्स को देखा जाता है। आपने जस्ट डेड की वेबसाइट पे जाना है, dead.de ये टाइप करना है और ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें अगर ये जर्मन लैंग्वेज में है तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो वेबसाइट होगा उसका मेन पेज ही यहाँ पे हमारे पास स्कॉलरशिप ऑफर जर्मनी स्कॉलरशिप फॉर गोइंग अब्रॉड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, तो हम इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स का जैसे ही पेज ओपन होगा तो हम अपना प्रोग्राम चूज़ करेंगे, कोर्स टाइप, कोर्स लैंग्वेज और फील्ड ऑफ स्टडी के कोर्स टाइप कौन सा है। आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, PhD या डॉक्टरेट करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स है लैंग्वेज कोर्स, शॉर्ट कोर्स वगैरह, तो वो सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमने बैचलर्स किया हुआ है और हम मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। और कोर्स लैंग्वेज है, अगर आप जर्मन में करना चाहते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी करनी है, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं वो कर लें, मेडिसिन के हैं तो वो कर लें, तो यहाँ हम मेडिसिन सर्च करेंगे कि मेडिसिन के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे 55 प्रोग्राम पहली शो करवा रहा है कि 55 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो हमारे क्राइटेरिया के 55 रिजल्ट्स हैं। यहाँ हम और भी फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे हमने कोर्स टाइप ऑलरेडी किया हुआ है, फील्ड ऑफ स्टडी भी, सब्जेक्ट हम कोई भी कर सकते हैं, मेडिसिन इन जनरल है या थ्योरेटिकल मेडिसिन है या जो भी है, तो हम यहाँ पे ये भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। कोर्स लैंग्वेज कौन सी है, तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है कि कोर्स लैंग्वेज कौन सी है, और मोड ऑफ स्टडी कौन सा है, तो फुल ऑन साइट सिलेक्ट करें। लोकेशन भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, फिलहाल हम ये नहीं कर रहे। तो कोर्स टाइप स्पेसिफिसिटी कर सकते हैं कि बिगनिंग कहाँ से कर सकते हैं। ट्यूशन फ़ी आपने सेलेक्ट करनी है कि नो फीस, हम स्कॉलरशिप के लिए सर्च कर रहे हैं तो नो फीस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें हमारा रिजल्ट कहाँ तक पहुँचे हैं। 29 रिजल्ट्स हैं, ये सब फिल्टर लगाने के बाद हमारे जो रिजल्ट्स बचे हैं वो 29 हैं। नो फीस, मास्टर प्रोग्राम, मेडिसिन, इंग्लिश ओनली और फुल ऑन साइट। अब सब्जेक्ट्स देखते हैं कौन कौन से ऑफर कर रही है। मास्टर डिग्री बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, हमने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करना है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ओवरव्यू चेक करेंगे कि डिग्री लैंग्वेज, उसका फुल टाइम प्रोग्राम ड्यूरेशन, बिगनिंग कैसे होगी, विंटर सेमेस्टर है, मोस्टली विंटर सेमेस्टर ही ऑफर करती हैं, और एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है कि कब ये एप्लीकेशन की डेडलाइन आएगी। ट्यूशन फ़ी जाहिर सी बात है नो ट्यूशन फ़ी है, और इसकी डिस्क्रिप्शन और कंटेंट होगा डिग्री का, ऑलमोस्ट ये सब कुछ ओवरव्यू में दिया हुआ होता है। और कोर्स डिटेल देखेंगे, कोर्स डिटेल में हम लोग इस कोर्स के बारे में हम कितने क्रेडिट आवर्स हैं और कौन कौन सी कोर्स आउटलाइंस हैं वो सब कुछ कोर्स डिटेल में होगा। कॉस्ट और फंडिंग होगा, तो ट्यूशन फ़ी नन है। अगर कुछ हॉस्टल ड्यूज या पर्सनल एक्सपेंसिस हैं, सोशल एक्सपेंसिस, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कितने होंगे पर मंथ। रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन वगैरह में पता चल जाएगा कि क्या चीज़ रिक्वायर है, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, डिग्री चाहिए, हर चीज़ इधर डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई होगी, सर्विसेज होंगे, और अबाउट द यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कौन सी है जो ये ऑफर कर रही है, तो ये यूनिवर्सिटी की डिटेल होगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। इस तरह अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम सर्च आउट कर सकते हैं आप लोग, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू डेड वेबसाइट तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आई विल रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।